हेलो फट्टी टू, अभिवादन आप सभी का एग्जिमर के नए वीडियो एपिसोड में। और आज के इस वीडियो एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के रोगियों को क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अपना शिकार ज्यादा बनाती है। तो आज के इस वीडियो एपिसोड में आप जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार आपको माइग्रेन में कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। और आज का यह वीडियो बना है डॉक्टर स्वास्तिक जैन आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह पर। दरअसल माइग्रेन में जो चिकित्सा सिद्धांत अपनाए जाते हैं उनमें दवाई, पोषक तत्वों की खुराक, जीवन शैली, ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। तो आइए आज सबसे पहले बात करते हैं कि खान पान और परहेज क्या रखना चाहिए माइग्रेन के रोगियों को। माइग्रेन रोगी को चुकंदर, ककड़ी, पत्ता गोभी, गाजर का रस तथा नारियल पानी आदि का सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ आप उपवास भी कर सकते हैं। अपने भोजन में मेथी, बथुआ, अंजीर, आंवला, नींबू, अनार, अमरूद, सेब, संतरा तथा धनिये का सेवन अधिक करना चाहिए। और अपने भोजन में फल, सलाद तथा अंकुरित भोजन का सेवन बढ़ा देना चाहिए। और इन चीजों को आप सामान्य भोजन से पहले इस्तेमाल करें और उसके बाद आप सामान्य भोजन का सेवन करें। माइग्रेन रोग से पीड़ित रोगी को भोजन संबंधी गलत आदतों जैसे रात के समय देर से भोजन करना तथा समय पर भोजन न करना आदि को छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मसालेदार भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बासी, डब्बाबंद भोजन, चिप्स, फास्ट फूड, मिठाइयाँ और नॉन वेज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मैग्नीशियम अक्सर माइग्रेन के रोग के लिए रामबाण माना जाता है। मैग्नीशियम प्रभावी ढंग से विभिन्न माइग्रेन सक्रियताओं का मुकाबला कर सकता है क्योंकि यह ब्लड ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अपने आहार में 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम की खुराक को शामिल करें। यह आपके माइग्रेन के दौरों का प्रभावी ढंग से इलाज करने में मदद करती है। आप जो भी खाते हैं उसे एक डायरी पर जरूर नोट करें। ऐसे कई आहार होते हैं जो माइग्रेन को और भी बढ़ा देते हैं। ऐसे भोजन का प्रभाव 30 मिनट से 12 घंटे के बीच हो जाता है। तो अगर आपको खाना खाने के बाद तकलीफ महसूस हो रही है तो तुरंत समझ जाएं कि आपने क्या खाया था। इस तरह से आप दोबारा वह आहार लेने से बच सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में कई सारे नुस्खे हैं जो माइग्रेन से लड़ने में आपको मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही नुस्खों के बारे में। सबसे पहले पीपल के कोमल पत्तों का रस माइग्रेन रोगी व्यक्ति को सुबह तथा शाम को सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ दिनों तक तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ सुबह के शाम चाटना चाहिए तथा इसके साथ आप दूब का रस भी सुबह के समय चाट सकते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप दूब का रस नहीं चाटना चाहते तो आप तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। देसी गाय का ताजी सुबह शाम दो बूंद नाक में रुई से टपकाने से इस रोग में आराम होता है। आयुर्वेद के अनुसार अदरक सरदर्द में राहत पहुंचाता है। अगर आपको अदरक खाने में परेशानी होती है तो आप अदरक के कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं। पिसी हुई सफेद मिर्च 1 ग्राम, मिश्री 2 ग्राम, देसी घी आधा चम्मच, इन तीनों को मिलाकर सुबह नाश्ते से पहले थोड़े दूध के साथ ले। लगभग 15 से 20 दिन तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 कप पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर घोल बना लें। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निपटकर जिस ओर दर्द हो रहा है उस ओर नथुने में इस घोल की 2 बूंदें डालें। नाक से भाप देकर माइग्रेन रोगी के व्यक्ति को आराम मिल जाता है। नाक से भाप लेने के लिए सबसे पहले एक छोटे से बर्तन में गर्म पानी लेना चाहिए। उसके बाद रोगी को उस बर्तन पर झुककर नाक से भाप लेना चाहिए। इसके अलावा आप पोस्त दाना, जिसे खसखस भी कहते हैं, 3 ग्राम, 10 ग्राम मुनक्का बीज निकालकर, तरबूज के बीज 3 ग्राम के साथ इन तीनों को रात में पानी में भिगोकर सुबह पीस लें। 1 चम्मच देसी घी डालकर हल्का सा भूनकर 100 ml दूध के साथ सुबह नाश्ते से पहले ले लें। इसके साथ आप एक और चीज कर सकते हैं, वह है माइग्रेन का दर्द कम करने के लिए आप अपने सर पर आइस पैक रखें। यह सबसे सरल उपचार है। आइस पैक मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने में मददगार होता है और दर्द को कम करता है। प्रभावित क्षेत्र, कनपटी और गर्दन पर दर्द से आराम के लिए आप आइस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी और हमें उम्मीद है कि माइग्रेन से लड़ने में यह आपके लिए मददगार साबित होगी। और अगर इस विषय पर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें
और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।